मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। और उठ गया, हम रेडी हो गए। गुड कराओ, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग मैं तो मार नहीं। तो यार अभी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है अभी। बस प्लेटें लग गई हैं और हाथ चलाने बाकी रह गए हैं। अब जा रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल, भाई लेके जाएंगे हमें। बहुत जल्दी लड़के, 11 बजे यार हम उठ तो 8:30 बजे गए थे। मैं उठ गया था 8 बजे। अच्छा, देख मैं बाहर आया था, मैंने देखा कोई है ही नहीं, फिर मैंने वापस भी लेट जाता हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। और ये भी तैयार हो गया है भाई अपना एक। हेलो लड़कियाँ थोड़ी है जिसमें हेलो बोल रहा है। तो यार अब ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। लो भाई प्लेट, लो खाओ। सूर्य ने बोला कि दही खाना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो आपको हेल्प करता है आपके डाइजेशन में, हर चीज़ में सिस्टम डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा। अगर दही नहीं खाया तो आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी नॉलेज है, शायद ही किसी डॉक्टर ने या किसी बंदे ने दी हो। दही खाना बहुत ज़रूरी है। दही खाना, दही नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया जाएगा। और पंजाब में आ गया तो देखो यार, ये दही, लस्सी, घी, रोटी, साग है ना, मक्के की रोटी, ये तो ज़रूरी है। और आलू, आलू, आलू और बीन, बीन माल ले लिया है, चाय पी ली है मतलब। अब जा रहे हैं यार अमृतसर, गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चेंज कर ली। गाड़ी का नाम है डस्टर और भाई गाड़ी चली है 4 लाख पर मीटर बैक। हाँ अभी चल रखी 2 लाख। स्कैम है, स्कैम। स्कैम होते लोगों के साथ, तो ये भी स्कैम के बारे में हम कभी एक बार व्लॉग बनाएंगे। तो करते हैं लोग स्कैम, खेल के हर कोई करता है। कपल कपल ये सो रहे हैं यहाँ पे भैया हमारे, मैरिड फॉर लाइफ। क्या हो गया, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी क्या? अरे नींद पूरी हो गई, इसे खा लिया कुछ क्यूरन सटमोला खा लिया इसने। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी ड्राइव करी थी यार कल पूरे टाइम। हम्म, तो कल तो आप कहते हैं मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करना। I love to drive. Finally, अब हम आ गए हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और ये गोल्डन टेम्पल की मार्केट है पूरी। तो अभी हमने शूज वहाँ पे दे दिए अपने अपने, और ये रहा पूरा एंट्री एरिया, यहाँ से हम एंटर करके जाए। वाहेगुरु वाहेगुरु चले। तो अभी दर्शन करके आए हैं और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने सोचा कि आपसे बात करी जाए और आपको बताया जाए कि गोल्डन टेम्पल में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भाई बताएंगे, वो ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे। हाँ जी भाई बताओ। मैं बंदों को गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाए हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, दूर दूर से संगत आती है बहुत ही दर्शन करने। हाँ तो भाई दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं दर्शन करने और देखने आते हैं कि क्या है गोल्डन टेम्पल में, कैसा है गोल्डन टेम्पल। तो भाई आया है, उसने अभी दर्शन करे, हमने दर्शन करे और सर पीछे से देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। कितों आए थे? हाँ जी दिल्ली तो आए हैं मुंडे, दिल्ली। तो बस ये है गोल्डन टेम्पल में, और पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गंद फैलाते थे, जैसे कि मैं 4-5 साल पहले भी आया था और वीडियोज़ बनाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो धार्मिक जगह है उसको धार्मिक ही रहने दिया जाए, उसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ ना किया जाए। और यही मैसेज आप सारे देना चाहवा कि जेड़ा भी बंदा इतने आता फोटो लेंदा कुछ भी करता वा, तो इस तरीके की ले जाए कि वो इदा ना हो कि कितने खिलवाड़ बनया जाए किसी भी जगह तक, कितने भी तुम जाते हैं लाइक टॉक करते हैं कुछ भी ना कुछ भी। तो बस किसी लिए हम अंदर कुछ नहीं। लेकिन मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़
जो लोग सोचते हैं कब जाएंगे तो भाई टाइम निकालो अपने लिए और आओ गोल्डन टेम्पल। और अब चलते हैं जलियांवाला बाग और वहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या है, क्या वहाँ की कहानी है, वो भी भाई से शेयर करवाएंगे। ये अपना इधरला भाई है, लोकल बंदा बटाले पिंड है इहदा। हाँ तो जरूर इन भाई नूं जदों भी आओ मिलो, है ना, तुहानूं जरूर घुमाऊगा ये, तो बाकी तुहानूं पता ही है सारा। अभी जब हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि देखो सर यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है क्योंकि लोग गलत यूज़ करते हैं वीडियोस का। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक लड़की गोल्डन टेंपल पे जाके अपने सर से वो हटा के चुन्नी और पीछे एक कोई गाना लगा रखा है, तो शायद मुझे लगता है कि उसे एंटरटेनमेंट की जगह पे यूज़ ना किया जाए। और वही बात मैं बोल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हो गई हैं कि वीडियो नहीं बनाए जाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं क्या क्या वीडियोज़ में बना देते हैं, ऐसे गोल्डन टेम्पल के ऊपर हाथ रख देते हैं और फ़ोटो लगा देते हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो कमेटी है उसने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे लोगों को हम वीडियो बनाने के लिए मना करेंगे। और ये पूरा मार्केट एरिया है अमृतसर का जो कि आप अभी मेरे पीछे देख रहे हो, और बहुत ही यूनिक, और यहाँ पे फुलकारी और बड़े बड़े अलग अलग जूतियाँ, चप्पलें, चुन्नियाँ, सूट, सलवार, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और खाने की भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर टाइम निकाल के दिखाऊँ। और मेरे गले की आवाज़ बिल्कुल बज चुकी है, मेरे को लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी आ रही होगी। तो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है हमको। सागर भाई की थोड़ी सी आवाज़ मोटी हो गई है। हाँ यार, मेरी तो आवाज़ ही मोटी होगी, मैंने बोला भी इनको, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और भाई वो एक इनको चीज खिलाई थी हाँ मतलब कुछ खिलाया था इन्होंने, अब फिल्टर हो गया रही है, पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा दिया इन्होंने। ये तुम्हें कुआं दिखाते हैं जिसमें भाई अपना जब वो हुआ था जनरल डायर ने जब ऑर्डर शूट करा था तो लोग सारे इसमें आके कूद गए थे, बच्चे बूढ़े सब जो भी था, वॉट एवर वॉज इन द क्राउड, दे ऑल केम हियर एंड दे डाइड, सो वी गोना शो यू राइट हियर, बचने के लिए कि हाँ फैमिली की बच जाए। अब इसको पहले सराउंड कर दिया, पहले सराउंडेड नहीं था, और सारी जगह से बैरिकेड वगैरह कर रखा है, कोई शीशे लगा दिए। आप लोग सोच सकते हो कि इतना बड़ा है तो कितना क्राउड गया होगा इसके अंदर। राइट नाउ अपने को एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट वाज लाइक लाखों में बंदों की डेथ हुई थी उस दिन पे, इट वाज द सैडेस्ट पार्ट इन दिस सिख हिस्ट्री। तो आप सबने वो जहाँ पे वो जो पीछे हमने आपने कुएं वाली क्लिप देखेंगे तो उसमें कुएं की ये कहानी है कि यार लोगों को एग्जिट पॉइंट यहाँ पे एंट्री और एग्जिट एक ही था, तो इसीलिए कुएं में लोग जा के सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, फैमिलीज बच्चे सब उन्होंने इधर उस कुएं में कूद गए, पता नहीं कितनी लाखों की करोड़ों जाने गई उस दिन, है ना। और ये जो था अपने सिख हिस्ट्री के अंदर सबसे सैडेस्ट पार्ट था कि इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, सो उस चीज़ को देख के काफ़ी लोग रिवोल्ट में आए थे और काफ़ी लोगों ने अपने उसके बाद उस चीज़ों के बाद लोग काफ़ी अपना जैसे लगा लो कि जागरूकता आई थी लोगों में कि नहीं अब इट्स द हाइट ऑफ द थिंग, अब हम इस चीज़ को लड़ना पड़ेगा इस चीज़ से, तभी ये चीज़ अपने देश से निकल पाएगी, सब कुछ हो पाएगा। आगे भी एक दीवार है यहाँ पे, वो जो हम तुम्हें अब आगे आने वाली क्लिप में दिखाना चाहेंगे, उस दीवार पे उन्होंने जब ओपन फायर किया था तो आज भी वो वहाँ पे बुलेट मार्क्स प्रेजेंट है। तो वो आने वाली वीडियो में हम वो दीवार दिखाएंगे। इंडिया में जो कल्चर है ये रिच हिस्ट्री करके ही है, जो लोग यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के सारे मिक्स करके रह रहे हैं, ये सिर्फ एक जो फीलिंग है और जो जज्बा है रहने का, ये इसी के कारण है क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है वो एक डार्क हिस्ट्री थी, तो वो एक चुट लेके आती है लोगों को। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी कुर्बानियों की वजह से भाई आज हम ऐसे घूम रहे हैं। बिल्कुल भाई, वरना आज हम भी अंग्रेज़ों के पैर ही दबा रहे होते, जो बात है वो बात है भाई, क्लियर बात है। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, जब भी आप ऐसी जगह पे आओ तो बस यही कहना चाहूँगा। और बिल्कुल आगे चलते हैं, हिस्ट्री पता होनी चाहिए आप जहाँ भी जा रहे हो उस जगह के बारे में, आपको ये नहीं कि आप आए हो बस यू जस्ट कम इन एंड यू जस्ट गो अराउंड, है ना, यू शुड नो व्हाट हैपेंड हियर एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ को नोटिस करो कि जो लोग वहाँ पे थे प्रेजेंट थे उन्होंने क्या फीलिंग यहाँ पे करी होगी, क्या हुआ होगा उस टाइम पे, बाकी सारी चीज़ें तो भाई हर बंदे के ऊपर होती है, तो जो ट्रैवल करते हो तो ये चीज़ों को भी कंसिडर करा करो। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखें ज़रूर कि क्या हुआ होगा, इमेजिन करेंगे आप यहाँ पे आके, आपको कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली आपके चलने लगेगा। फिल्मों में देखेंगे कुछ देखेंगे तो आप भी अटैच होंगे यहाँ पे, आपको लगेगा कि नहीं यार क्या था क्या हुआ, है ना,
और आज कैसे इसको प्रेस्टीज एक जगह बना रखा है लोगों ने, है ना, कि लोग आते हैं घूम के चले जाते हैं, किसी को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता बेसिकली। और ये एक डार्क साइड ऑफ द हिस्ट्री है, आज हम इसको सिर्फ एक टूरिस्ट विजिट की प्लेस बना लेते हैं। कॉल है जो कि बता रहा था अभिषेक कि यहाँ पे बुलेट मार्क्स, तो आप देखिए अभी तक यहाँ पे हर जगह वही है। तो आप जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जितने भी अपने जो लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, जो भी अपने मेन बंदे रहे हैं, उनके यहाँ पे आज के टाइम में इन्होंने स्टैचूज़ तो कह लो, या स्टैचूज़ तो नहीं है, एक तरह से वॉल बना रखी है, उनका नाम लिख रखा है उस पर, कोई मैसेज है, और एक तरह का ऐसे बना दिया है कि हाँ चलो ठीक है, सब लोग याद रखें, सबको पता रहे कि कौन कौन था। शहीद भगत सिंह का नाम आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीतपाल सिंह है, और इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो तभी इन सब अपने जितने भी यहाँ पे वो बना रखे हैं मॉन्यूमेंट्स, उनका दे रखा है यहाँ पे सब ने, है ना। तो बाकी भाई अभी आगे का तो और है नहीं यहाँ पे कुछ, जितना टूर तुम्हें दे सकते थे वॉल का, वेल का, और यहाँ जो बना रखा है वो सारा तुम्हें दे दिया है। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जलियांवाला बाग के बाद हम एक दो अपने भाइयों से मिले थे, उनके घर पे गए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि व्लॉग करना, क्योंकि फैमिली थे, पेरेंट्स थे, कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहे थे, और फिर उन्होंने बोला कि चलो भाई कोई नहीं बाद में कर लेंगे, तो फिर वो बाद वाली बात बाद की रह गई, इसलिए व्लॉग कंटिन्यू हो पाया। तो अभी हम एक और भाई के घर आए हुए हैं, और ये उसका फार्म हाउस है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये रहा, और अभी वो आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं, तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय, और टू बी कंटिन्यूड रहेगा, और या तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो आज की रात के लिए आप सभी को गुड नाइट।